अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ग्रेड 4। इट्स योर ऑनलाइन लेक्चर ऑफ योर बुक सोशल स्टडीज़। योर यूनिट नंबर इज़ 4 एंड लेसन नंबर इज़ 5 एंड इट्स नेम इज़ क्लोथ्स। बिफोर स्टार्टिंग योर लेक्चर मेक श्योर दैट यू हैव योर बुक्स नोटबुक्स एंड स्टेशनरी विद यू एंड लिसन टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। Let's starting with the introduction. Early man used to cover his body with barks of trees, leaves and animal skin. पहले time में यानी starting times में early times में लोग जो थे वो अपनी body को cover करने के लिए trees के जो leaves वगैरह थे वो use करते थे या animal की skin use करते थे। The clothes we wear today are made from cloth. Cloth or fabric is made by weaving, knitting or pressing fibers together. Cloth जो होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो एक फाइबर से बनते हैं या एक फैब्रिक से बनते हैं, और इस फैब्रिक से बनाने का मेथड क्या है? वीविंग यानी बुनते हैं कपड़े को, या निटिंग, या फिर प्रेसिंग फाइबर्स टुगेदर, यानी डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हमें क्लोथ मिलता है, कपड़ा मिलता है। फाइबर में भी नेचुरल उसका जो फाइबर है वो नेचुरल भी हो सकता है, सच एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड लिनन। तो ये सब चीज़ें जो है, वूल, सिल्क, कॉटन, ये सारी ग्रो होती हैं जिनसे हम लोग धागा बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं और फिर उनसे क्लोथ बनता है, कपड़ा बनता है। दे मे बी आर्टिफिशियल, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं यानी मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं ये फैब्रिक्स और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फाइबर। फ़ाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? नंबर वन इज़ फाइबर फ्रॉम प्लांट। कॉटन इज़ ए सॉफ्ट वाइट मटीरियल कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। नंबर वन पे है जो नेचुरल हमें सोर्स है, नेचुरल सोर्स हमारा वो है कॉटन। कॉटन एक सॉफ्ट वाइट मटीरियल है जिसको हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं, और ये प्लांट्स पे ही मतलब ये ग्रो होती है कॉटन, जस्ट लाइक आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है। कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। कॉटन एक पाकिस्तान की बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रॉप है। आवर इंडस्ट्री मेनली डिपेंड्स ऑन कॉटन। हमारी जो फाइबर इंडस्ट्री है या फैब्रिक इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉटन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि कॉटन से ही हम लोग थ्रेड हासिल करते हैं यानी धागा, और थ्रेड से ऑनवर्ड हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कॉटन पर डिपेंड करती हैं। जूट इज़ यूज टू मेक ए कॉर्स क्लोथ। जूट फाइबर्स आर वूवन इन टू रोप्स, ड्यूरीज, बैग्स, गनी सैक्स और डिज़ाइनर क्लोथ्स। जूट एक कपड़ा है जिसको बनाते हैं ये क्लोथ जो है ये, और ये वाला क्लोथ जो है इससे आपकी जो रोप्स हैं वो बनती हैं, यानी ये जो रस्सियाँ वगैरह होती हैं, बैग्स वगैरह होते हैं, इस मटीरियल से वो चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लैक्स। फ्लैक्स इज़ अर्लीस्ट नॉन मटीरियल यूज टू मेक क्लोथ। लिनन, ए टाइप ऑफ क्लोथ, इज़ मेड फ्रॉम फ्लैक्स। फ्लैक्स भी एक मटीरियल है जिससे हम लिनन का जो क्लोथ है वो बनाते हैं। नेक्स्ट सोर्सेज फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हम लोग फाइबर कैसे हासिल करते हैं? वूल इज़ शीप्स फ्लीस विच इज़ वूवन इन टू वूलन यार्न। The hair of goat, yak and animal are also used to obtain wools. जो हम sheep's की जो खाल होती है woven यानी वूवी सी होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी अपनी क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे जैकेट्स वगैरह या जो ये फर वाली जैकेट्स वगैरह सारी होती हैं ये हम उन्हीं से बनाते हैं। उसके अलावा जो goat के और camel के hair होते हैं उससे भी हम लोग wool बनाते हैं। Silk is obtained from the saliva of an insect called silkworm. एक इंसेक्ट है silkworm, और उसके उसका saliva होता है यानी उसका एक पार्ट है saliva जिससे हम लोग सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। silkworm feed on mulberry leaves. जो silkworms होते हैं वो अपना feed जो लेते हैं यानी अपनी खाना जो है या जो भी उनकी feed होती है वो mulberry leaves के ऊपर से लेते हैं। Next is cocoons are put in boiling water to obtain silk thread. Cocoons एक tree है, cocoons का proper एक tree होता है, I think ये maroonish color के होते हैं,
इट जस्ट लाइक अ बॉल, ये बॉल की तरह होते हैं और इनको अगर आप बॉइलिंग वाटर में डालें यानी उबलते हुए पानी में डालें तो ये बिल्कुल एक थ्रेड की तरह ये खुल जाती है बॉल और बिल्कुल थ्रेड जैसी हो जाती है, और वो थ्रेड वो सिल्क थ्रेड होता है। दी थ्रेड्स आर देन प्रोसेस टू मेक सिल्क क्लोथ, और फिर उस थ्रेड के ऊपर प्रोसेस किया जाता है, काम किया जाता है सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ कराची हैज़ द लार्जेस्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा बड़ी जो सिल्क इंडस्ट्री है यानी सिल्क का कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री वो कराची में है। मैन मेड फाइबर्स, अब जो मैन मेड फाइबर्स हैं ये तो हमने नेचुरल फाइबर्स की बात कर ली जो हम नेचुरल चीज़ों से गेन करते हैं, और अब हम बात करेंगे मैन मेड फाइबर्स जो इंसान ने खुद बनाए हैं। मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और ये सारे जो हैं नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर ये सारी मैन मेड फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर कैन ऑल्सो बी मिक्सड विद नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट, इन फाइबर्स को जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके अंदर मिक्स करके भी क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। लेदर इज़ मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन एंड कैन बी कट एंड स्टिच्ड, लेदर जो है वो एनिमल की स्किन से बनाई जाती है और उसको हम लोग स्टिच भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, मतलब उसकी जैकेट्स वगैरह बनती हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स गुड क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स लाइक जैकेट, फुटवेयर, ग्लव्स एट्सेट्रा, पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों की, जितनी भी लेदर से बनती हैं जैसे वॉलेट्स, बैग्स, हैंड बैग्स, बेल्ट एंड योर शूज़ एंड योर जैकेट्स एज वेल। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ मेकिंग क्लोथ, अब क्लोथ मेकिंग की जो स्टेजेस हैं वो क्या है, मतलब हर चीज़ बनाने का एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में आ जाती है सबसे पहले आपके पास आपकी सारा जो इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है, आपकी बुक पे भी ये मेंशन है स्टेजेस ऑन पेज नंबर 32। कॉटन होती है, कॉटन से स्पिनिंग का प्रोसेस होता है यानी थ्रेड निकाला जाता है, फिर डाइंग यानी उस थ्रेड को कलर किया जाता है, उस थ्रेड की कलरिंग होती है क्योंकि हम लोग डिफरेंट कलर्स के क्लोथ पहनते हैं तो उसके लिए थ्रेड का डाई होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद वीविंग होनी स्टार्ट होती है, फिर स्टिचिंग, वीविंग यानी कपड़ा बनता है, फिर स्टिचिंग, और फिर एंड पे एंड प्रोडक्ट आपके पास जो है वो रेडी होकर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ क्लोथ, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीज़न, इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, ये बात हमें पता है कि हम अपनी क्लोथिंग जो है वो उसके लिहाज से सीज़न के लिहाज से कैरी करते हैं। समर सीज़न में हम लोग लाइट वेयर लाइट वेट स्टफ़ लाइक कॉटन क्लॉथ्स या लॉन क्लॉथ, इन विंटर वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, विंटर में हम लोग वूल के क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हम लोग जो है कोल्ड को या प्रिवेंट कर सकें। इन द रेनी सीज़न वी वेयर रेन कोट्स और यूज़ अम्ब्रेलाज, रेनी सीज़न में हम रेन कोट्स पहनते हैं और अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं, दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल, तो अम्ब्रेलाज जो होती हैं और रेन कोट्स जो होते हैं वो वाटर प्रूफ मटीरियल से होते हैं, बने होते हैं, जिनके मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो। ओके क्लास, दिस इज़ एंड ऑफ योर लेसन, मेक श्योर दैट यू हैव रीड ऑल द लेसन केयरफुली, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेसन है ये, जिसमें आपको पता चल रहा है कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, क्या सारा प्रोसीजर होता है, किन सोर्सेज को यूज़ करके उसको बनाया जाता है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।